भिवानी जिले की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज फिर 5 नए केस आए हैं। कोरोना पॉजिटिव नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि 29 तारीख को लिए गए सैंपल में 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 3 नाथवास गांव से आए कोरोना पॉजिटिव के परिवार से हैं और 1 तिगडाना और 1 सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ से है। अभी तक टोटल 31 केस पॉजिटिव हैं। उन्होंने बताया कि लोगों का सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह संक्रमण भिवानी में फैलना शुरू हो गया है। इसके लिए WHO द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। 29 तारीख को सैंपलिंग की थी पूरे जिले में, कई जगह से जाओगे सर। अभी हमें 10 में से 5 लोगों की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव मिली है। हमें 3 लोग तो अपने नाथवास गांव से, जो पहले एक शिशु लड़का जो गुड़गांव प्राइवेट जॉब करता है, उनकी एक बेटी है और एक उनकी मदर है, एक उनकी वाइफ और एक खांडसा गांव से है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तिगडाना गांव का है और एक हमारे यहीं का एक वार्ड सर्वेंट था, वो पॉजिटिव आया। तो सर कुल जो एक्टिव केस हैं वो कितने हो चुके हैं आपके यहाँ? अभी आज इन 5 को मिलाकर हमारे जिला में 31 एक्टिव केसेस हो गए हैं। तो सर क्या सावधानी बरती जा रही है? हम बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करें, लोगों के कॉन्टैक्ट में ना आए, फूके ना, बाहर ना निकलें, बीड़ी गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्म पानी पिए, हेल्दी डाइट लें। तो अब भाई सर कितनी जो रिपोर्टें हैं पेंडिंग और क्या माने हैं कि आगे ये जो केस हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे? तो जिस हिसाब से अभी लग रहा है कि ये धीरे धीरे संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहा है, हमारी बार बार यही कोशिश है लोग अपने संयम बरतें, सावधानियाँ बरतें, जिससे ही संक्रमण पर काबू पाया जाए। अभी तक भी आपसे यह आग्रह करता है कि अपने घरों में रहें, घर से बाहर निकलते वक्त मुंह को ढक के रखें व बार बार हाथ साबुन व सैनिटाइजर से साफ रखें। इसलिए जितनी कोशिश हो घर पे रहें, सुरक्षित रहें।